नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज पाकिस्तान को मैसेज देने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान की जो वामपंथी मीडिया है और जो अर्बन नक्सल मीडिया है, उसको भी ये सूचना बिल्कुल साफ जानी चाहिए क्या बोला है यूएनओ के, यानी कि जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो उनके जवाब बड़ी स्पष्टता से उन्होंने दिए कि कश्मीर का स्टेटस क्या है। ऐसी बात जो बार बार रिपीट होती आई है, फिर भी पाकिस्तान हर फोरम पे कहता है यूएन रेजोल्यूशन में ये, उस पर हम पूरी चर्चा आज करेंगे कि पीछे जनरल असेंबली के या जो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरीज क्या बोल चुके हैं और कल क्या बोला प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। उससे पहले मैं आप सबको एक आग्रह जरूर करूंगा, कल शाम को जो लेक्चर डाला था जिसमें जिसका टाइटल आप देखेंगे कि मोदी के फंदे में बाइडन किया घिनौना काम, या इंग्लिश में अगर सर्च करेंगे तो मोदी एट WTO, उसको जरूर देखिएगा। बहुत गंभीर विषय भारत के लिए है और सोशल मीडिया की, जैसे मैं लगातार कहता आया हूँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस तरह के वीडियोस को, इस तरह के लेक्चर्स को प्रमोट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें उनकी फसंतलु रहती है और भारत का जहां पर विकास हो रहा होगा, जहां पर भारत आगे समझदार बनने की कोशिश कर रहा होगा, भारत को सूचनाएं जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है वो जानने का प्रयास हो रहा होगा, तो फिर उसको वो पीछे बैक में फेंक देते हैं। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कल शाम को 9 बजे का जो सेशन अपना था उसमें वो डाला है, एक लंबा है, आप अगर उसकी पॉलिसी विषय देखना चाहें तो लास्ट के 8-10 मिनट देखिएगा, जरूर देखिएगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है। खैर, हम लोग आ जाते हैं यूएनओ पर। यूएनओ के जनरल असेंबली, हम सब जानते हैं कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दो यूएनओ की महत्वपूर्ण काउंसिल है। तीसरी अगर यूएनओ को किस महत्वपूर्ण कोई है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला तभी जाता है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दो राष्ट्रों ने सहमति दे रखी हो, तो मामला उनके पास सुनवाई होती है, अदरवाइज सुनवाई नहीं होती। मतलब उसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जगह वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है तो गलत नहीं होगा। तो अब बचती है जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में हम सब जानते हैं 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 परमानेंट और 10 हर 2 वर्ष में चुने जाते हैं। भारत इस समय नॉन परमानेंट मेंबर्स में है। मुहिम लगातार चलाई जा रही है कि परमानेंट मेंबर्स में भी भारत रहे और नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, पहले वाजपेयी सरकार के द्वारा बहुत तेजी से वो विषय उठाया गया था और अब नरेंद्र मोदी सरकार उस पर बहुत काम कर रही है। कोविड अगर ना होता तो मोदी सरकार उस पर बहुत तेजी से आगे पूरे विश्व को कन्विंस करने में सफल भी हो गई थी। खैर, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोरम है जिसके सभी सदस्य राष्ट्र सदस्य होते हैं, और वो अब चूंकि 2-3 जजमेंट ऐसे हो चुके हैं जिसमें ये कहा गया कि जनरल असेंबली अगर कोई विषय उठाती है और सिक्योरिटी काउंसिल उस विषय को नहीं उठाती तो भी वो कंसिडर करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरल असेंबली वर्ल्ड पार्लियामेंट है, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। यूएनओ में जनरल सेक्रेटरी वो सभी ब्रांचों का सेक्रेटरी होता है, सबसे बड़ा आदमी होता है, और जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो पीछे पाकिस्तान की विजिट पर भी गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं और ये जो पाकिस्तान साइड के पत्रकार हैं वो बड़ी बीसी करते हैं। बीसी तो आप सब लोग जानते ही होंगे भारत में किसको कहते हैं। और उन्होंने वही प्रश्न जो सदैव वो उठाते रहते हैं, वो प्रश्न इमरान खान के डायरेक्शन पर उठाए होंगे और उन्होंने कहा, सब व्हाट अबाउट द कश्मीर, आप कश्मीर के विषय में क्यों नहीं काम करते? भारत ने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर दिया और वहाँ का स्पेशल स्टेटस, जैसा वो कहते हैं, वो ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर अब जो है वो भारत उस पर कब्जा कर रहा है और ब्ला 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 बहुत सारे प्रश्न किए। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पाकिस्तान लगातार उठाता रहता है, कहता है कश्मीर का रेजोल्यूशन से मतलब उनका यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो रेजोल्यूशन प्लीविसाइट का मतलब जनमत संग्रह का जो रेजोल्यूशन पास किया था यूएनओ ने, वो रेजोल्यूशन साहब अभी इंप्लीमेंट करवा दीजिए और क्यों नहीं करवाते और भारत सरकार ये वो करती है। उनका जवाब आपको सुनने में आएगा,
तो इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण जवाब है कि पाकिस्तान के मुंह पे वो तमाचा मारा कि पाकिस्तान के हर एक व्यक्ति को वो सुनना चाहिए, हिंदुस्तान की बमपंथी मीडिया को सुनना चाहिए, हिंदुस्तान की अरब नक्सल्स को सुनना चाहिए, हिंदुस्तान की वो कम्युनिटी जो सदैव कश्मीर के लिए खड़ी रहती है और जो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी होती है उसको बिल्कुल सुनना चाहिए। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये तो प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आज के सर्कमस्टांस में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ, उसके बाद ये स्टेटमेंट आया। उससे पहले के स्टेटमेंट जो आए कोफी अनान साहब, जो जनरल असेंबली के जो 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 यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, बुतरस काली, बान की मून, इन सब ने स्टेटमेंट दिया जब भी कश्मीर के विषय में पाकिस्तान के अंदर विजिट करते हुए इन जनरल सेक्रेटरी से सवाल पूछा गया, क्योंकि जैसे ही कोई यूएनओ का व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा या पाकिस्तान का व्यक्ति यूएनओ के संपर्क में आएगा सबसे पहला प्रश्न यही करता है और चिल्लाते रहते हैं, बिना अकल लगाए चिल्लाते रहते हैं जैसा कि स्वभाव है उनका। प्रश्न पूछा कि जम्मू कश्मीर को वो रेजोल्यूशन क्यों नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो उन इन सभी ने एटलीस्ट तीन जनरल तीन सेक्रेटरी जनरल ये कह चुके हैं कि भैया जम्मू कश्मीर नाम का कोई इशू अब यूएनओ में पेंडिंग नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट ये कह चुके हैं तीन जनरल सेक्रेटरी, फिर भी उनको बोलना है। और अब जम्मू कश्मीर को लेकर अगर कोई वार्ता होनी तो भारत और पाकिस्तान वार्ता कर सकता है, किसी तीसरे कंट्री को इंटरवेंशन का राइट नहीं। आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि हम उसमें इंटरवेंशन करना चाहते हैं और भारत सरकार ने तुरंत कहा था कि नहीं, हम स्वयं सॉल्व कर लेंगे, आपको इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं है उस विषय पर। अब इन्होंने वही सेम प्रश्न उनसे भी पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि भैया जब 1971-72 में शिमला एग्रीमेंट हो गया तो शिमला एग्रीमेंट के बाद का वो जो पुराना रेजोल्यूशन जैसा भी था, हालांकि वो रेजोल्यूशन भी भारत के पक्ष में था, तो वो जो रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन अब इंप्लीमेंटेशन में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि बायलेटरल टॉक होना ही एक सोल्यूशन है, इसलिए पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि भाई यूएन रेजोल्यूशन के अनुसार काम होना चाहिए। और यूएन रेजोल्यूशन का तो वो अपने देश के बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और हमारे यहां के जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट, हमारे यहां के जो वामपंथी मीडिया, वो भी देश को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे बातें करती है। एनडीटीवी जिसने एक पूरा फीचर चलाया था, हमने उनके खिलाफ एक मुकदमा भी डाला था और कहा था कि आप देश को ये बरगलाने का काम क्यों करते हैं, देश को झूठ बोलने का काम क्यों करते हैं, आपको क्या क्या रेजोल्यूशन के बारे में मालूम नहीं है। मैं आपको पहले रेजोल्यूशन बताता हूं फिर आगे की पूरी वार्ता बताता हूं। पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया तो भारतीय फौजें थोड़ी बहुत लड़ी, उसके बाद नेहरू जी को रिकमेंडेशन कर दी उस समय बाउन पटन ने कि आप यूएनओ चले जाओ। इन्होंने यूएनओ में एक पिटीशन डाल दी 1948 में, जनवरी 1948 में। उस पिटीशन में कहा कि भाई पाकिस्तान ने हमारी टेरिटरी पर हमला कर दिया, अगर आपने ना रोका तो हम उस पर हमको युद्ध लड़ना पड़ेगा और यूएनओ अभी भी फॉर्म हुआ है और वर्ल्ड में शांति बहाल करना हमारा काम है, इसलिए आप वो युद्ध हमको ना लड़ना पड़े, आप इसमें इंटरवीन करिए। बेवकूफ़ प्रधानमंत्री था, उसको जो हिस्सा वो ले चुके थे उसको वापस लेने के बजाय यूएनओ चला गया। यूएनओ जैसे ही कि कोर्ट में आप जाते हैं, यूएनओ ने सीधा सीधा कहा कि भाई स्टेटस को मेंटेन कर लेते हैं, सीज फायर कर दिया और सीज फायर की एक रेखा बना दी जिसको आप आज एलओसी कहते हैं। एलओसी के इधर हम, एलओसी के उधर वो, और एक कमीशन बना दिया जिसको यूएनसीआईपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान। यूएनसीआईपी ने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद उसने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में यूएनसीआईपी ने कहा कि पाकिस्तानी फौजें, जबकि पाकिस्तान ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, ये कबायली हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, भारत से वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। पाकिस्तान ने उसमें ये भी क्लेम नहीं किया था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ है, उन्होंने कहा कि भाई वहां के लोकल कबायली हैं, वो अपना कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये पाकिस्तान का रिप्लाई आया इस बात को लेकर। वहां भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा और भारत सरकार के पक्ष रखने के बाद यूएनसीआईपी ने कहा कि पाकिस्तान कह जरूर रहा है कि वहां के लोकल कबायली हैं, बल्कि पाकिस्तान की सेना इसमें शामिल है और पाकिस्तान की सेना के नेतृत्व में ये कबायली बेच रखकर घुसे हुए हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार से जब बात हुई तो भारत सरकार ने उस पर रिप्लाई दिया और उन्होंने कहा कि साहब हम तो प्लीबिसाइड के पक्ष में थे, हम तो ये डिले इसलिए कर रहे थे, आर्टिकल 307 वो ये डिले जो एक्सेशन का डिले है इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि जनता का मत हम जान लें। ये भारत ने सुझाया था,
यूएनओ को, यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री ने सुझाया कि हम तो साहब इसलिए डिले कर रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की जनता से बात कर लें, जबकि राजा अधिमिलन कर चुका है और पूरे देश के सभी रियासतों का विलय राजा कर चुके थे और किसी में भी ये प्लीबिसाइड का फॉर्मूला नहीं आया, जबकि नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्लीबिसाइड बोल दिया, प्लीबिसाइड हम करवाना चाहते हैं इसलिए ऐसी, और जनता का मत जानना चाहते थे इसलिए थोड़ा डिले हो रहा था, बट अदरवाइज प्राइमरी स्टेज तो पूरी हो चुकी, यानी कि अधिमिलन तो हो चुका। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि अधिमिलन हमने लिया नहीं, अधिमिलन हो चुका है ऐसा स्वीकार कर लिया। यूएनसीआईपी ने रेजोल्यूशन पास करके कहा कि देखिए पाकिस्तान की सेनाएं अंदर घुसी हुई है, पाकिस्तान को भारत की टेरिटरी जिसमें वो घुसा हुआ है उसको तुरंत वापस जाना पड़ेगा, उस टेरिटरी को खाली करना पड़ेगा, उस टेरिटरी को खाली करने के बाद भारत सरकार उस पर प्लीबिसाइड करवाना चाहती है, भारत सरकार को प्लीबिसाइड करवाने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से भारत सरकार को देनी होगी। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वतंत्रता वो आपको प्लीबिसाइड करवाना पड़ेगा, कोई ऐसी बाइंडिंग नेचर का नहीं है, हम करवाना चाहते थे उन्होंने कहा आप करवा सकते हैं, आपका विषय है, राजा अधिमिलन कर चुका है, इंटरनेशनल लॉस के तहत कर चुका है, पाकिस्तान को बोला आप टेरिटरी खाली करिए, भारत प्लेबिसाइड करवाना चाहता है, पाकिस्तान ने कभी टेरिटरी खाली नहीं की। तो भारत सरकार ने उस समय होम मिनिस्ट्री ने 5 चिट्ठियां लिखी यूएनओ के यूएनसीआईपी को, और उन चिट्ठियों में लिखा कि भाई पाकिस्तान जब जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन किसका होगा, तो उन्होंने कहा भारत का होगा, उन्होंने कहा टेरिटरी पर फौजें किसकी होंगी, तो उन्होंने कहा भारत की होगी, उन्होंने कहा साहब इलेक्शन कौन करवाएगा, तो उन्होंने कहा भारत करवाएगा, उन्होंने कहा साहब की प्लीबिसाइड कौन करवाएगा, तो उन्होंने कहा भारत करवाएगा, उन्होंने कहा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कौन बनाएगा, तो उन्होंने कहा भारत होगा। ऐसे 5 चिट्ठियों के अफर्मेटिव जवाब यूएनसीआईपी ने भारत को दिए। अब पाकिस्तान कभी गया नहीं इसलिए हमने वहां इलेक्शन कभी वो प्लीबिसाइड जो हम कह रहे थे, नेहरू जी कह रहे थे कि हम प्लीबिसाइड करवाना चाहते हैं, वो प्लीबिसाइड करवाने का कोई नौबत नहीं आई। क्यों? क्योंकि फिर दोबारा वहां पर सरकार बनाई गई, चुनाव करवाया गया और उस नई सरकार से भी पुनः उसको कंफर्म करवाया गया वहां के हाउस से, यानी कि उससे प्लीबिसाइड से भी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया था। अब ऐसी सिचुएशन में यूएनओ में हम क्यों गए? यूएनओ में हम गए थे यूएनओ से मदद लेने के लिए। यूएनओ में कोई पिटिशन नहीं, यूएनओ का कोई केस नहीं, क्योंकि केस अगर होता तो हम यूएनसीआईपी में न जाकर या सिक्योरिटी काउंसिल में न जाकर हम सीधे कहां जाते? हम जाते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं गए क्योंकि कोई मुकदमा नहीं था उसमें। सीधा एक फॉर्मूला था कि पाकिस्तान एग्रेसर है, पाकिस्तान ने हमारी भूमि पर एंट्री मारी है और उसने हमारे यहां इंक्रोचमेंट किया है, इसलिए पाकिस्तान को बाहर किया जाए, अदरवाइज हम युद्ध लड़ेंगे, ऐसा हमारी पिटिशन थी। तो युद्ध हम लड़ेंगे या लड़ना पड़ेगा और खून खराबा होगा, इससे बचने के लिए भारत सरकार वहां गई थी। तो वो जो मामला भी गया वो आर्टिकल 35-36 में गया यूएनओ में, यूएन चार्टर के, तो उसके तहत पैसिफिक सेटलमेंट के लिए जनरल असेंबली, वो सिक्योरिटी काउंसिल एक कमीशन बना सकता है और दोनों का मामला सॉल्व कर सकता है। इसलिए अगर यूएनसीआईपी ने कोई भी बात कही तो वो बाइंडिंग ना मेरे ऊपर थी ना पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग थी। हालांकि कहा यह गया था कि पाकिस्तान खाली करे तो हम प्लीबिसाइड करवाएंगे, पाकिस्तान ने खाली नहीं किया क्योंकि बाइंडिंग नहीं थे, तो प्लीबिसाइड भी किसी तरह से बाइंडिंग नहीं हो सकता। अब नेहरू जी की ये जो बहुत बड़ी गलती थी उसका सुधार इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी ने कैसे सुधार किया कि जो इंटरनेशनल इशू नेहरू जी बना गए थे उसको, उस बात को जिस समय 1971 का वॉर हुआ उस समय शिमला समझौता जिस समय इंदिरा गांधी ने किया जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, उन्होंने कहा कश्मीर का मामला हम बायलेटरल इशू से सॉल्व करवाएंगे। अब कश्मीर का मामला बायलेटरल टॉक से शुरू होगा, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के अलावा कोई तीसरा पक्ष उसमें नहीं होगा। जब हमने वो एग्रीमेंट शिमला एग्रीमेंट कर लिया तो फिर यूएनओ में चूंकि हम ही गए थे और हम ही यूएनओ में कह रहे थे कि पाकिस्तान एक फोरम पर नहीं आ रहा, आप ही उसमें इंटरवेंशन करें, इसलिए अब आवश्यकता नहीं है कि यूएनओ उसमें इंटरवीन करे। क्यों? क्योंकि अब शिमला एग्रीमेंट हो चुका है। शिमला एग्रीमेंट के तहत भारत और पाकिस्तान ही उस विषय पर कोई भी अगर टॉक होगी तो भारत और पाकिस्तान ही टॉक करेंगे, इंटरनेशनल फोरम से बाहर हो जाते हैं। यानी कि मामला अब यूएनसीआईपी के हाथ से निकलकर या यूएनओ के हाथ से निकलकर भारत और पाकिस्तान के पक्ष में आ गया, वो अब इंटरनेशनल मामला न रह के बायलेटरल मामला हो गया। ये बायलेटरल मामले को लेकर हालांकि वो लिस्टिंग लगातार हो रही थी और वो जो उनकी यूएनसीआईपी की टीम थी वो भी दिल्ली में पड़ी हुई थी और सैलरियां भारत सरकार से ले रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार के बैठने के बाद इन्होंने जब बंगलों का सर्वे किया और उन्होंने कहा भाई ये बंगले क्यों घिरे हुए हैं, इनको सैलरियां क्यों जा रही हैं, तो उनसे पूछा यूएनसीआईपी से कि भैया आप यहाँ क्यों पड़े हुए हैं,
तो उन्होंने कहा साहब हमारा तो इंटरनेशनल इशू के तहत पड़े हुए। नरेंद्र मोदी सरकार ने यूएनओ में भी कहा और उनसे भी कहा कि भाई अपना बोरिया बिस्तर समझो, अब इंटरनेशनल इशू 1971 के बाद रहा नहीं, क्योंकि हमारी और पाकिस्तान की बायलेटरल टॉक है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स बात करेंगे, हमारे सरकारें बात करेंगे, आपका कोई रोल नहीं है। यूएनसीआईपी खत्म हो चुका है 1971 में ही और 2014 तक वो चलता रहा। 2015 में यूएनसीआईपी ने अपना सामान सट्टा बांधा और यूएनओ में जो लिस्टिंग होती थी वो लिस्टिंग भी नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रयास करके कहा कि भाई इसमें लिस्टिंग भी खत्म कर दो ताकि पाकिस्तान के सारे डाउट खत्म हो जाए, कोई भी इशू अब ये इंटरनेशनल इशू नहीं है और कोई रेजोल्यूशन नाम का रेजोल्यूशन नहीं है। वो जितनी बातें थी वो तब तक थी जब पाकिस्तान भारत से टॉक करने को तैयार नहीं था। जिस दिन पाकिस्तान और भारत ने तय कर लिया हम आपस में बात करेंगे उस दिन यूएनओ की कोई आवश्यकता नहीं है, तब वो वहां से डीलिस्ट किया गया। हालांकि उससे पहले जो मैंने कहा कि बुतरस गाली और कोफिनान, उसके बाद बान की मून और आज के, ये सभी ने एक सुर में कहा है कि भैया इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है वो बायलेटरल इशू है और भारत पाकिस्तान ही उसको सॉल्व करेगा, उसमें यूएनओ का कोई रोल नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोई रोल नहीं, इंटरनेशनल जो दूसरे इंटिटीज हैं उनका कोई रोल नहीं। ये सेम बात कल फिर से जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी पत्रकारों से के सवालों पर जवाब देते हुए क्लियर किया है कि आपका कोई रोल नहीं है और मेरा कोई रोल नहीं है, शिमला एग्रीमेंट होने के बाद यूएनओ में कोई मामला नहीं है और यूएन रेजोल्यूशन का कोई अब वैल्यू नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि यूएन रेजोल्यूशन की वैल्यू अगर वो मानते हैं पाकिस्तान, तो सबसे पहला रेजोल्यूशन तो ये था कि भारत की ये टेरिटरी जिसको गिलगित बल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद कहते हैं, इस टेरिटरी से पाकिस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा और वो टेरिटरी भारत के कब्जे में आएगी और भारत तब उस पर चाहे तो प्लेबिसाइट करवा सकता है। चूंकि भारत पहले से वहां इलेक्शन करवा चुका है इसलिए अब वो प्लेबिसाइट का भी कोई विषय नहीं रहता। पाकिस्तान के मुंह पर जो जोरदार तमाचा मारा है जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने, वो पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए और खास तौर से हिंदुस्तान की जो ये मीडिया है, हिंदुस्तान की जो ये उल्टी मीडिया है, जो बामपंथी मीडिया है, जो बामपंथी ये दुनिया भर की रिसर्चें गलत सलत करके देश को बरगलाने का प्रयास करते रहते हैं, देश को बहकाने फंसाने का प्रयास करते रहते हैं, उन सब के लिए ये एक तमाचा है। इनको सबको ये पढ़ना चाहिए और ये जो मैं बता रहा हूँ जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की बात, जिनका नाम वॉल्कन वोस्केर है, उनके स्टेटमेंट को सभी को स्टडी करना चाहिए, कोफिनान के स्टेटमेंट को सभी को स्टडी करना चाहिए, बान की मून के स्टेटमेंट को सभी को स्टडी करना चाहिए और बुतरस गाली के स्टेटमेंट को सभी को करना चाहिए। इन तीनों के तीनों जनरल असेंबली के जनरल यूएनओ के जनरल सेक्रेटरीज ने पाकिस्तान के अंदर स्टेटमेंट दिए हैं, पाकिस्तान के बाहर स्टेटमेंट नहीं दिया, पाकिस्तान के अंदर स्टेटमेंट दिए हैं, पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तानी सरकार को जवाब दिए हैं इन्होंने। और ये जो अभी जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, इन्होंने यूएनओ में जवाब दे दिया है, इसलिए पाकिस्तान और भारत दोनों जो ये गफलत में रहते हैं कि गलत हो रहा है, उन सबको विचार करना ही होगा। और अब विचार सिर्फ एक बात पर होना चाहिए कि गिलगित बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद कब वापस दे रहे हैं और भारत सरकार कैसे वापस ले, इस पर पूरे देश को मिलकर सोचना चाहिए, ना कि ये नए देश के खिलाफ स्टेटमेंट देकर और दुनिया भर की गलत सलत रिपोर्टें लगाकर इन पर कोई काम करे। मैं चाहता हूं कि पूरा देश इस पर रिएक्ट करे। और कल वाली वीडियो, जैसे मैंने पहले कहा, कल वाली जो वीडियो शाम की है, बाइडन और मोदी का नाम जिसमें लिखा हुआ है, उसको जरूर देखिएगा, लास्ट के 10 मिनट 8 मिनट तो जरूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा गेम भारत के साथ चल रहा है और भारत कैसे उससे बचे। थैंक यू वेरी मच।